हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लौकी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे, क्योंकि इस न्यूज़ को देखने के बाद तत्कालिक आप खुशी मना सकते हैं और खुशी होना भी चाहिए। लेकिन अभी कहीं से बहाली का डंका नहीं पीटा गया है, लेकिन हम लोगों को हो सकता है कि ये पेपर के माध्यम से लॉलीपॉप दिया गया हो कि हम लोग शांत घर में बैठ जाए। खैर, उस मुद्दा पे बाद में आएंगे, ये छोटा वीडियो होगा। अब देखिए, अभी अभी अपडेट है, ये पेपर आज जो पटना संस्करण जो आज पेपर है उसका संस्करण है, सुबह सुबह का न्यूज है। सातवां चरण शिक्षक नियमावली 2022। मैं आपको बता दूं, मैंने बोला था, मैंने नहीं सभी ने और तमाम अभ्यर्थी को पता भी है कि सातवां चरण का जो नियमावली 2022 पे जो बहाली होना था और बहाली होगा, कुछ इसमें संशय का स्थिति बना हुआ था। लेकिन आज के पेपर के माध्यम से लगता है नहीं, बहाली अब नियमावली 2022 पे ही होगा, सातवां चरण शिक्षक बहाली। उसमें देखिए आज के पेपर में क्या क्या दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं। पेपर कटिंग में, चूंकि पेपर कटिंग आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख लीजिएगा, पेपर में लिखा हुआ है कि 2.25 लाख एक से लेकर 12वीं तक जो सातवें चरण में जो बहाली आएंगे वो 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली आएगी। लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि जो जिस नियमावली पे जो बहाली होगी, यानी नियमावली 2022 जो बन के रेडी है, उस नियमावली को शिक्षा विभाग ने ड्राफ्ट बना के वित्त विभाग को भेज दिया है। देखिए वही लिखा हुआ है, बदलेगा शिक्षकों की बहाली का कानून। यानी कानून तो पहले 20 वाला था, 20 में भी नियमावली बना, उसी को चेंज करके 2022 किया गया, कुछ संशोधन करके किया गया। पहले भी हम वीडियो ला चुके हैं, मेरिट बनेगा 60-40 पे, वो सब पे आएंगे तत्काल, आप जानिए। शिक्षकों का बहाली का कानून बदलेगा, तो यही नियम बदला है क्या, पहले सिंपल था अब उसको 60-40 कर दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नियमावली 2022 की जो फाइल है वित्त विभाग को भेज दिया गया है। ये कहने का मतलब ये हुआ, आज के पेपर में दिया हुआ है कि कभी भी नियमावली बनता है तो उसको क्या किया जाता है, सब कुछ करके उसको वित्त विभाग को, वित्त मंत्रालय को भेजा जाता है ड्राफ्ट बना के। फिर वित्त मंत्रालय से पास हो जाएगा तो फिर कैबिनेट की बैठक में जाता है, यानी सदन में। फिर वहाँ से पास होने के बाद आपका नियमावली को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यही नियमावली जो मार्केट में घूम रहा था, जिसमें अपर मुख्य सचिव का कहीं साइन नहीं था, तो कुछ अभ्यर्थी ने बोला सर गलत न्यूज़ फैला गया। नहीं, मैं नहीं, ये गलती से ये नियमावली निकल गया, मोबाइल से वायरल कर दिया गया, लेकिन नियमावली वही है, नियमावली 2022 जो आपके सामने है, जो 60-40 के रेशियो में बहाली होगा, समझ गए। तो ये जो फाइल है नियमावली 2022, उस फाइल को वित्त विभाग को भेज दिया गया है, उस मंत्रालय को जो ड्राफ्ट बना के, अब वो मंत्रालय क्लियर करके कैबिनेट को भेजेगा और कैबिनेट की बैठक में आपको पास कर दिया जाएगा और फिर नियमावली आपके सामने होगा। अब आगे देखिए, यह आज का पेपर कटिंग है, इसको मैं आपको सारांश में मैं समझाने के लिए लाया हूँ। और तीसरा, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी जस्ट वीडियो बना के मैं डालूंगा अच्छे से। मेधा सूची, जो मेधा का निर्माण होगा, मैं बता दूं, नियमावली 2022 जिस पर मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, अगर वो नहीं पता है मेधा कैसे बनता है, मेरिट कैसे बनेगा, उसका वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। नियमावली 2022 में क्या था, अगर मान लीजिए 1-5 का शिक्षक बनना है तो उसमें क्या था, एम से मैट्रिक, आई से इंटर, प्लस प्रशिक्षण, मैट्रिक इंटर और प्लस प्रशिक्षण, ये था ना। इन तीनों का परसेंटेज जो आएगा, यानी मान लीजिए मैट्रिक में 60% तो 60 लिख दीजिएगा, इंटर में जो भी होगा 65 तो 65, प्लस प्रशिक्षण में बीएड या डीएलएड जो भी हो, जितना होगा उसको भागा 3, आपके पास भाग देने के बाद जितना भी आएगा उसको 0.40, 40 का मतलब क्या, यही एकेडमिक का जितना बनेगा उसका 0.40 से गुना कर दीजिएगा, जो आएगा वो आपका क्या हो गया, 40। और उसके बाद ये 1-5 के लिए, उसी प्रकार आप सीटेट में जितना परसेंटेज आपका बना है, जितना परसेंटेज मान लीजिए कुछ भी बना है नहीं पता, उसको 0.60, वही 60 का मतलब वही सीटेट या बीटेट का जितना परसेंटेज हो उसको गुने इतना कर देना जो आवे, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये और ये, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वही आपका मेरिट बनता था 1-5 में। उसी प्रकार 6-8 में क्या होता, मैट्रिक इंटर
प्लस प्रशिक्षण प्लस ग्रेजुएशन आ भागा चार वही चीज़ है, जो आएगा उसको 40 से करना है आप फिर सीटेट या बीटेट में जितना है परसेंटेज उसको इतना करना है, जितना आएगा फिर वही चीज़ है। इस पर एक वीडियो लाएंगे तुरंत। तो आज के पेपर में यही नियमावली, इस नियमावली में यही चेंज हुआ है और साथ में ऑनलाइन और सेंट्रलाइज होगा, ये तमाम अभ्यर्थी को पता है। ये अभी अभी का ताज़ा न्यूज़ है, मैंने अपने अंदाज में इसको समझाने का प्रयास किया हूँ। और नियमावली 2022 में मैट्रिक और इंटर का मार्क्स जुटेगा कि नहीं, अब आज के पेपर के अनुसार प्रिंट मीडिया के माध्यम के अनुसार, तो उसका हम अलग से अभी जस्ट वीडियो लाएंगे। इस वीडियो को आप देखिए और यही आज का ताज़ा खबर है। जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।